योगी सरकार के 2.0 के 73 दिन हो गए हैं। आपको बता दें कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान योगी ने एक भी दंगा न होने का दावा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल के 68 दिन बाद ही कानपुर में एक ऐसी हिंसा हुई जब शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वयं योगी मौजूद थे। ऐसे में सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पहला मामला नहीं है जब योगी ने एक्शन लेने में इतनी सख्ती दिखाई है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है। योगी सरकार के सख्त कानून और तुरंत एक्शन ने विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा दिलाया था, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कानपुर हिंसा पर तुरंत कार्यवाही करना 2024 में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी बुलडोजर बाबा की छवि ने योगी को बढ़त दिलाई थी। चुनाव के वक्त जगह जगह पर बुलडोजर की लोकप्रियता देखी गई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसका फायदा देखा जा सकता है। योगी सरकार 2017 में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर सत्ता में आई थी। ऐसे में दोबारा सरकार आने पर भी भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्यवाही 2024 में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।